Welcome to Pinnacle Online Classes. I am Sangeeta Mishra, and in this video we are going to talk about forms of market, which includes perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. And then we will be talking about price determination in all these markets. Forms of market. Market is a mechanism or arrangement which facilitates selling and buying activities. मार्केट एक ऐसा मकानिज़म, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो फैसिलिटेट करता है बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को होने के लिए, और मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग सेलर्स. इसका मतलब है कि सेलर्स के बीच में कितना कंपटीशन है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरीके का मार्केट है. और मार्केट्स बेसिकली चार तरीके के होते हैं: परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली. परफेक्ट कॉम्पिटिशन करेक्टरिस्टिक्स. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के क्या फीचर्स होते हैं वो देखते हैं हम. सबसे पहले, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस नीदर बायर्स नॉर सेलर्स कैन इन्फ्लुएंस द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, एज द शेयर ऑफ अ सिंगल सेलर इन द टोटल मार्केट सप्लाई इज स्मॉल. सिमिलरली the share of a single buyer in the total market demand is very small, so a single seller is a price taker rather than a price maker. ये फीचर कह रहा है कि एक सिंगल सेलर या बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को, क्योंकि इतने सारे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं कि कोई एक सेलर या बायर चाहे तो मार्केट डिमांड या सप्लाई को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता. और मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई प्राइस डिटरमाइन करते हैं, और क्योंकि वो मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, तो इसीलिए वो मार्केट प्राइस को चेंज या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. देन होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. Firms sell homogeneous products. It means that the products are identical in all respects, like quality, size, quantity, color, design, rate, label, etc. Product जो कि different firms बेच रहे हैं वो सब homogeneous है. इसका मतलब है कि बिल्कुल same है quality, size, हर aspect में. This makes the product perfect substitute, and thus no seller can charge a higher price, and if he does so, the demand for this product will be zero. क्योंकि हर seller same product बेच रहा है तो वो perfect substitutes हो गए एक दूसरे के, और इसके कारण कोई भी एक seller price नहीं change कर सकता. अगर वो change करेगा, अगर वो price बढ़ाएगा, तो उसकी demand zero हो जाएगी. As a result, demand will be perfectly elastic. तो इसके कारण demand perfectly elastic है. That is, the seller can sell any quantity of the good at the given price. इसका मतलब है कि seller जो price given है, जो कि market demand और market supply के द्वारा determine किया गया है, उस पर चाहे जितना बेच सकता है. और इसका मतलब है कि demand क्या है, perfectly elastic है. Then freedom of entry and exit. A firm can enter in the market without any restriction and can leave the market without incurring sunk cost. एक फर्म चाहे तो मार्केट में एंटर कर सकती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जब भी वो चाहे, और जब वो चाहे मार्केट को लीव कर सकती है विदाउट इनकरिंग संक कॉस्ट. संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इन्वेस्टमेंट हमने अपने बिजनेस में की है, जो कि हमें रियलाइज़ नहीं होगी अगर हम मार्केट छोड़ देंगे, जो कि जनरली एग्जिस्ट करती है प्रैक्टिकल लाइफ में, कि मैंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है और मैं बिज़नेस छोड़ दी तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गई. सो वो संक कॉस्ट होती है. बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम अज्यूम करते हैं कि ऐसी कोई संक कॉस्ट नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा मार्केट को लीव करने पर. इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि लॉन्ग रन में एक फर्म जस्ट अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि एक फर्म को रिक्वायर्ड है, द मिनिमम रिक्वायर्ड एक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करने के लिए. और ये जनरली कॉस्ट का ही पार्ट होता है. ये मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर है जो मेहनत कर रहा है उसके लिए. सो इन द शॉर्ट रन इफ फर्म्स आर मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, देन द अदर फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड टू द इंडस्ट्री विच विल इंक्रीज द सप्लाई इन द इंडस्ट्री इन कंपेरिजन टू इट्स डिमांड, एंड एज अ रिजल्ट प्राइजेस टेंड्स टू फॉल एंड प्राइस कीप्स फॉलिंग टिल ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री अटेन नॉर्मल प्रॉफिट. तो अगर शॉर्ट रन में फर्म्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट रियलाइज़ कर रही हैं, देन दूसरी फर्म्स भी अट्रैक्टेड हो जाएंगी इस इंडस्ट्री में एज़ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट,
और जब नई फर्म्स एंटर करेंगी तो जो मार्केट सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, और मार्केट सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस फॉल हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड तो सेम है, और प्राइस तब तक फॉल होते रहेंगे जब तक ये एबनॉर्मल प्रॉफिट ख़त्म नहीं हो जाता और सारी फर्म्स लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अचीव। इफ़ फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, देन द एग्जिस्टिंग फर्म्स विच के नॉट रिकवर इवन देयर एवीसी विल स्टार्ट क्विटिंग द इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री विल स्टार्ट फॉलिंग एज कम्पेयर टू द डिमांड, सो द प्राइस टेंड्स टू राइज एंड इट कीप्स ऑन राइजिंग टिल ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री अटेन नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे ही अगर शॉर्ट रन में फर्म्स को लॉसेस हो रहे हैं, देन कुछ फर्म्स जो कि एबीसी भी रिकवर नहीं कर पा रही, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है जो कि किसी प्रोडक्शन को करने के लिए मुझे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वेरिएबल कॉस्ट में। इसका मतलब है जैसे रॉ मटेरियल्स मुझे डालने पड़ेंगे, लेबर्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोडक्शन के लिए, और वो वैरी करती है प्रोडक्शन से। इसका मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ाया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है। ये वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से ट्रेस की जा सकती है। अगर एक फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पा रही है तो वो इंडस्ट्री को क्विट कर देगी। ऐसे ही वो सारी फर्म जो लॉसेस इनकर कर रही हैं, जो एवीसी भी रिकवर नहीं कर पा रही हैं, वो इंडस्ट्री को क्विट करेंगी, जिसके कारण जो मार्केट सप्लाई है वो गिरेगा, और क्योंकि डिमांड नहीं गिरेगा, डिमांड उतना ही रहेगा, सो प्राइजेस राइज करेंगे, और ये प्राइजेस तब तक राइज करेंगे जब तक पूरी इंडस्ट्री को नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रियलाइज़ हो जाता लॉन्ग रन में। Then perfect knowledge about market. This means that all producers and consumers are fully aware of the market. No consumer is prepared to pay a higher price than what is being charged in other parts of the market. Also, no producer sells its product at a price lower than the price charged by other producers. Next feature hai perfect competition ka ki perfect knowledge hoti hai market ke bare mein. सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे कंज्यूमर्स को, उन सबको पता होता है कि क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में। सो इसके कारण ना तो कोई कंज्यूमर उस प्राइस से ज़्यादा पे करेगा और ना कोई प्रोड्यूसर उस प्राइस से कम में बेचेगा। इसके कारण भी मार्केट में सिर्फ एक ही सिंगल प्राइस रह पाता है। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सो नो वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ आर फाउंड, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट नहीं होती है। अगर कोई एक प्रोडक्ट दिल्ली में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या फिर कहीं दूर समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में कोई कॉस्ट नहीं डिफरेंस होगा। ये एजम्पशन है, ये फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक है, और इसी के कारण सेम प्राइस रह पाता है कॉमोडिटीज़ का डिफरेंट प्लेसेस में। देन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, विल सेल हिज सर्विसेज वेयर ही गेट्स मोर इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है, इसका मतलब वो चाहें तो जहाँ भी जा सकते हैं और वो अपनी सर्विसेज वहाँ सेल करेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा इनकम मिल रही है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अब देखते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। Price under perfect competition is determined by the market forces, which are the market demand and the market supply. So market demand और market supply से determine होता है market price perfect competition में। So इसके कारण industry जो कि market demand और market supply को represent करती है, वो price maker या फिर price decide करने वाली body हो जाती है। Once the price is determined, it is given for an individual firm and the firm have to accept it. Thus, all firms in the market are price taker. एक बार इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमाइन कर दी तो वो प्राइस सारी फर्म्स के लिए गिवन हो जाता है, जो कि उन्हें एक्सेप्ट करना रहता है, और इसी कारण सारे फर्म्स जो कि मार्केट में है वो प्राइस टेकर हो जाते हैं। द फर्म्स कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ अ गुड एट अ प्रिवेलिंग प्राइस विच मेक्स द डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक, और जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है उस प्राइस पे फर्म चाहे तो कितना भी सेल कर सकती है, जिसके कारण जो डिमांड कर्व है फर्म्स की वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री का है, जहाँ पर इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, ये सप्लाई है मार्केट सप्लाई, और ये डिमांड है मार्केट डिमांड, एंड जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्री का प्राइस और इंडस्ट्री की क्वान्टिटी डिसाइड हो रही है, और यही प्राइस एक्सटेंड हो जाता है एक इंडस्ट्री के लिए जो कि एक्चुअली में एक प्राइस टेकर है, और वो इस प्राइस पे कितना भी
प्रोडक्ट बेच सकते हैं और ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज एक फर्म बेच सकते हैं सेम प्राइस पे, इसके कारण जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व शो करता है। और ये इक्विलिब्रियम शो कर रखा है एक इंडिविजुअल फर्म का, कि एक इंडिविजुअल फर्म को इक्विलिब्रियम मिलता है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वेट कर जाते हैं, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से जो एक फर्म को मार्जिनल रिवेन्यू होता है, एक्स्ट्रा रिवेन्यू मिलता है, वो इक्वल होता है उसके मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट के। देन प्योर कॉम्पिटिशन, प्योर कॉम्पिटिशन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ओनली अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन। अब मार्केट बिकम्स प्योर व्हेन मोनोपोली इज केप्ट अवे। प्योर कॉम्पिटिशन एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का पार्ट है जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक है एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और चैम्बरलिन डिफाइन करता है कि एक प्योर कॉम्पिटिशन वो होता है जहाँ पर मार्केट प्योर होता है, दैट मीन्स कोई मोनोपोली एलिमेंट नहीं होता वहाँ पे। मोनोपोली का मतलब है किसी एक का सुप्रीम पावर, कोई एक डोमिनेट नहीं करता है। प्योर कॉम्पिटिशन है सर्टेन कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। प्योर कॉम्पिटिशन में कुछ कंडीशंस होती हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक है, एंड उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, एंड देन सिंगल प्राइस इन द मार्केट। मोनोपोली करेक्टरिस्टिक्स, जो नेक्स्ट मार्केट फॉर्म है वो है मोनोपोली। इसके क्या फीचर्स होते हैं, सबसे पहले है अ सिंगल सेलर। एक मोनोपोली मार्केट में एक लौता सेलर होता है जो कि वो प्रोडक्ट बेच रहा है। इट मे बी ड्यू टू सम नेचुरल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द मार्केट और मे बी ड्यू टू सम लीगल रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट राइट, स्टेट मोनोपोली एक्सेट्रा। और ये जो सिंगल सेलर है, जो उसकी मोनोपोली है, मोनोपोली माने उसका सिंगल डोमिनेंस है, वो किसी नेचुरल कंडीशन के द्वारा हो सकता है कि कोई नेचुरल रिसोर्स है जो कि सिर्फ उसके कंट्रोल में है, या फिर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि लॉ उसकी डोमिनेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है थ्रू सम पेटेंट राइट, या फिर स्टेट ने कोई मोनोपोली ग्रांट की है, रेलवेज़ के टर्म्स में इंडियन रेलवेज़ को है। सिंस देयर इज़ अ सिंगल सेलर, एनी चेंज इन सप्लाई हैज़ सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ओवर मार्केट प्राइस एंड दस द मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर। और क्योंकि एक लौता सेलर होता है, जो कोई भी चेंज वो सप्लाई में कर देगा, उसके कारण जो टोटल मार्केट सप्लाई है, जो कि उसकी अकेले की ही सप्लाई है, वो चेंज हो जाएगी और इसके कारण प्राइस चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए एक सिंगल सेलर मोनोपोली में प्राइस मेकर हो जाता। देन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, अ मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेज अ प्रोडक्ट हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड दस फेस नो कॉम्पिटिशन एंड इज अ प्राइस मेकर। एक मोनोपोली फर्म प्रोड्यूस करती है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, जिसके कारण उसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं फेस करना पड़ता और इसीलिए वो एक प्राइस मेकर बन पाता है। देन फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, बींग अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट दैट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, अ मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, दैट इज ही इज़ अ प्राइस मेकर। क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसके पास फुल कंट्रोल होता है प्राइसेस के ऊपर और वो प्राइस मेकर कहलाता है। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, एक मोनोपोली मार्केट में दूसरी फर्म्स को एंटर करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू फर्म्स टू एंटर अ मोनोपोली मार्केट, इट मे बी ड्यू टू सम गवर्नमेंट ऑर्डर और पेटेंट राइट। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ मेनी डिफेंस गुड्स इज़ अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट मोनोपोलीज। न्यू फर्म्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है इस मार्केट में एंटर करने के लिए, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर के कारण हो सकता है या फिर किसी पेटेंट लॉ के कारण हो सकता है। जैसे बहुत सारे डिफेंस गुड्स हैं जो कि मोनोपोली हैं गवर्नमेंट की, सिर्फ गवर्नमेंट ही उन्हें प्रोड्यूस कर सकती है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई होता है, गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर के थ्रू एक सर्टेन एजेंसी को ग्रांट किया होता है। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस बाय अ सेलर ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक प्रैक्टिस है जो कि एक मोनोपोली फर्म अडॉप्ट करती है, जिसके अंडर वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है डिफरेंट बायर्स से सेम प्रोडक्ट के लिए। अ मोनोपोलिस्ट अडॉप्ट्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सो एज टू ऑब्टेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। एक मोनोपोलिस्ट इस प्रैक्टिस को क्यों अप्लाई करता है, क्योंकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर कोई एक बायर ज़्यादा प्राइस पे कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो उसके लिए ज़्यादा प्राइस कोट करता है। अगर एक पर्टिकुलर बायर के लिए वो प्रोडक्ट ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो उसे खरीदना ही पड़ेगा, सो वो उसके लिए भी ज़्यादा प्राइस कोट कर देता है। देन नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व,
दिस मीन्स दैट द मोनोपोलिस्ट कैन नॉट सेल एनी अमाउंट ऑफ द आउटपुट एट एनी प्राइस. इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक मोनोपोलिस्ट फर्म कितना ही प्राइस कोट करे और फिर वो उस प्राइस पे कितना ही क्वांटिटी सेल कर देगा. प्राइस और क्वांटिटी में से उसके पास सिर्फ एक वेरिएबल है जो वो खुद डिसाइड कर सकता है, दूसरा वेरिएबल मार्केट डिसाइड करता है. वेन द मोनोपोलिस्ट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ इज प्रोडक्ट, अगर वो प्राइस डिसाइड करता है देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द बायर्स. देन बायर्स डिसाइड करते हैं वो कितनी क्वांटिटी डिमांड करना चाहते हैं एट दिस गिवन प्राइस जो कि मोनोपोलिस्ट ने कोट किया है. वेन मोनोपोलिस्ट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर एक मोनोपोलिस्ट प्राइस बढ़ा देता है प्रोडक्ट का, इट कैन सेल लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम हो जाती है. तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी सेटिस्फाई होता है. एंड इफ़ ही वॉन्ट्स टू सेल लार्जर क्वांटिटी, अगर वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है देन इट हैज़ टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसे प्राइस कम ही करना पड़ेगा. तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई होता है. जो डिमांड कर्व है एक मोनोपोलिस्ट का वो नेगेटिवली स्लोप्ड ही होता है. दिस टेंडेंसी इज वेल रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व. द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेल्स, दिस इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स विच हैज़ म्यूचुअल डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज. जब बहुत सारी फर्म्स एक मार्केट में इकट्ठा हो जाती हैं प्राइस या फिर प्रोडक्शन पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए, तो उन्हें कार्टेल कहते हैं. द होल ग्रुप परफॉर्म्स एज अ मोनोपोलिस्ट, और इस केस में वो जो पूरा ग्रुप है वो एक मोनोपोलिस्ट फर्म की तरह बिहेव करता है. जैसे कि ओपेक है ऑयल की टर्म्स में, जो वेस्ट एशिया में बहुत सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं और वो प्राइस और प्रोडक्शन कोटास डिसाइड करते हैं ऑयल का, तो वो भी एक मोनोपोलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. देन प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ मोनोपोली मार्केट, इन मोनोपोली अ फर्म बीइंग द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ प्राइस मेकर एंड दस कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस फॉर इट. क्योंकि मोनोपोली में एक लौती फर्म होती है जो कि सप्लाई कर रही है, तो वो मार्केट सप्लाई को चेंज कर सकती है, जिसके कारण वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जिसके कारण उसे प्राइस मेकर कहते हैं, एज इट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. बट इट हैज़ टू फेस अ नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में से सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि फर्म डिसाइड करेगी, दूसरा वेरिएबल मार्केट डिसाइड करता है. इफ़ द मोनोपोलिस्ट वॉन्ट टू सेल मोर ही कैन डू सो बाय लोअरिंग द प्राइस, अगर वो ज़्यादा बेचना चाहता है देन उसे प्राइस कम करना होगा. इफ़ ही वॉन्ट्स टू हैव अ हाइयर प्राइस, अगर वो प्राइस को ज़्यादा करना चाहता है देन उसकी क्वान्टिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. ही कैन गेट इट बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ही प्रोड्यूसेस. सो अगर वो प्राइस बढ़ाना चाह रहा है तो उसे क्वान्टिटी सप्लाई कम करनी पड़ेगी. सो ये जो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है, जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं, वो डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट स्टिल द डिमांड कर्व फेस्ड बाय द मोनोपोलिस्ट इज इन इलास्टिक इन नेचर एज देर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट. बट स्टिल जो डिमांड कर्व होता है वो भले ही नेगेटिवली स्लोप्ड है पर वो इन इलास्टिक होता है. इसका मतलब है कि जितने परसेंटेज से वो प्राइस को चेंज करेगा उससे कम परसेंटेज से परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में. सो इसका मतलब है कि उसको फाइनल गेन ही होगा अगर वो प्राइस बढ़ा देगा. यहाँ पर एक कंपल्शन है कंज्यूमर्स के लिए कि वो उसी प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट बाय करें क्योंकि कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में. इट मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज रिलेटिवली लेस दैन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि इन इलास्टिक डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करता है.